सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची से साहेबगंज जाने के क्रम में नारायणपुर जामतारा और फतेहपुर में रुके, जहां कांग्रेस के आईसीसी के सदस्य हरिमोहन मिश्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दोनों मंत्रियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। नारायणपुर में पारा शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रखंड अध्यक्ष सुमन सिंह ने भी अभिवादन किया। पारा शिक्षक स्थायीकरण वेतनमान की चर्चा की, जिसमें दोनों मंत्रियों ने सुमन सिंह को आश्वस्त कराया कि पारा शिक्षक स्थायीकरण वेतनमान की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही पारा शिक्षक की समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कुछ बुराइयां थी कृषि मंत्रालय में, पर हम उन खामियों में नहीं जाएंगे। जनहित की जो योजनाएं हैं वह आगे भी चालू रहेंगी और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो मतदाताओं को भ्रम में लाने के लिए योजनाएं लाई थी उसकी हम जांच करा रहे हैं। सरकार में कुछ अपव्यय हुए, फिजूल खर्ची हुई, उसके वजह से खजाना में कमी आ गई। लेकिन अब हम लोग आ गए हैं, खजाना को फिर से भरेंगे। बहुत से स्रोत हैं आय के, राज्य के आय के, सभी स्रोतों का हम उपयोग करेंगे और खजाना को भरेंगे। और योजना जरूरी योजनाएं जनता की समस्या से खेला खेली कर रहा भाई, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस सभी को हम लोग पूरा करेंगे, सरकार पूरा करेगी हेमंत जी के नेतृत्व में। गड़बड़ियाँ हैं, मैं अभी शुरुआत किया है, बुराइयों की ओर नहीं जाऊंगा। जो जनहित की योजनाएं हैं वो आगे भी चालू रहेगी और जो मतदाताओं को भ्रम में लाने के लिए जो योजनाएं लाई गई उसकी उपयोगिता की हम जांच करा रहे हैं, हम उस पर विवेचना कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में यदि हमें लगेगा कि आम आदमी तक यदि इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद अगला निर्णय लेने के लिए। किसानों को अभी तक जो फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा, धान कट गया लेकिन धान उनके खरीदारी केंद्र अभी तक नहीं मिल पा खुल पाया है, बिचौलिया के हाथों बेचने को। बिल्कुल, ये सारी गड़बड़ियां जो चलते आई है इनको दूर करने के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि आपको जो सब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग ज़मीन के आदमी हैं, हर जगह रामेश्वर उरांव सर हम फीडबैक ले रहे हैं कि खाद्य आपूर्ति विभाग में क्या है, हमारे विभाग में क्या है। किसानों ने जो शिकायत की, उपभोक्ताओं ने जो शिकायत की, उसको लेकर 11 तारीख के कैबिनेट मीटिंग के बाद हम लोग CM साहब से इस मसले पर विचार और विमर्श करेंगे और जो खामियां हैं उसको दूर करने